इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 14 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बीकानेर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। भास्कर खास, अब लेवल वन के 21,000, लेवल सेकंड के 27,000 पदों पर लगेंगे शिक्षक। चयन बोर्ड को इसी सप्ताह मिलेगी शिक्षक भर्ती की डिमांड, पदों में हो सकती है और बढ़ोतरी। शिक्षा निदेशालय की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों पर प्रस्तावित भर्ती परीक्षा के लिए खाली पदों की अभ्यर्थना इसी सप्ताह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दी जाएगी। राज्य के स्कूल को अब लेवल वन के 21,000, लेवल टू को 27,000 शिक्षक मिलेंगे। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है, इन प्रस्तावित पदों में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। दरअसल शिक्षा विभाग में पिछले 2 साल की डीपीसी बकाया है। डीपीसी यानी पदोन्नति से खाली होने वाले पदों को भी नए साल में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती में शामिल करने की संभावनाएं जताई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो प्रस्तावित 48,000 पदों में और बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। शिक्षक भर्ती की नई तिथि निर्धारित नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहले शिक्षक भर्ती 4 और 5 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन समय पर अभ्यर्थना नहीं मिलने के कारण अब स्थिति को शिक्षक भर्ती होना संभव नहीं है। सभी खाली पदों को सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान, जिसमें 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सभी खाली पद सीधी भर्ती से ही भरे जाते हैं। शिक्षा निदेशक का बयान, लेवल वन में 21,000 और लेवल सेकंड में 27,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भिजवाई जा रही है। उपेन्द्र यादव का बयान, भर्ती की विज्ञप्ति और पद बढ़ाने को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है, सरकार जल्द से जल्द अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी करे, उपेन्द्र यादव। इसके अलावा देर रात उपेन्द्र यादव का ट्वीट, अध्यापक भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थना आज कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुंचेगी। इसके अलावा शुक्रवार तक यानी परसों या अगले वीक में अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। फरवरी के अंत में अध्यापक भर्ती परीक्षा होने की पूरी संभावना है, रीट थर्ड ग्रेड। इसके अलावा 48,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी। उसके बाद फरवरी परीक्षा से पहले 4,500 पद और इस भर्ती में ऐड होंगे। इस तरह थर्ड ग्रेड 52,500 पदों पर होगी। 1,00,000 बेरोजगारों को न्याय मिले, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को रीट की मुख्य परीक्षा में शामिल करे सरकार, मूंड नवज्योति बाड़मेर। बीएसटीसी व बीएड के अंतिम वर्ष के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जुलाई में आयोजित रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है एवं अगस्त 2023 तक उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी, उनकी मांग है कि विज्ञप्ति के नियमों में शिथिलता देकर यानी दस्तावेज सत्यापन तक संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता का नियम बनाकर मार्च अप्रैल में होने वाली अध्यापक मुख्य परीक्षा में शामिल करे।
रीट 2022 के प्रमाण पत्रों का अभ्यर्थियों को वितरण शुरू। पहली बार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर लिखा मिला अब आजीवन मान्य। नवज्योति झालोर। समस्या रीट 2022 की 55,000 मार्कशीट वितरण के लिए ब्लॉक की जगह जिला मुख्यालयों पर बनाए केंद्र। 55,000 अभ्यर्थियों से रीट में 3.57 करोड़ फीस ली, उनको मार्कशीट लेने 200 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। नागौर भास्कर न्यूज। अभ्यर्थी बोले रीट में हमें क्यों घसीट रही है सरकार। भास्कर खास, फोटो आईडी देने पर ही मिलेगा रीट 2022 प्रमाण पत्र। बांसवाड़ा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की बड़ी घोषणा, प्रेस नोट, अब सेकेंड ग्रेड से नहीं टकराएगी परीक्षा, नई परीक्षा तिथि की घोषणा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एवं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 21 दिसंबर से। राहुल गांधी से मिले राजस्थान के बेरोजगार, बोले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में शीतलता दे सरकार, गहलोत से नाराजगी। जयपुर। आधा सत्र बीता फिर भी सरकारी स्कूलों में 8,601 शिक्षकों के पद खाली, स्कूलों में विद्या संबल में आवेदन लिए लेकिन भर्ती रद्द। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। फार्मासिस्ट भर्ती में पद सर्जित, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में टीएसपी की अनदेखी, 4 साल बाद निकली भर्ती में भी छलावा। भास्कर न्यूज डूंगरपुर। विज्ञप्ति जारी होने के बाद 28 दिन बीत गए, निर्णय नहीं। बांसवाड़ा भास्कर। प्रदेश में 9 साल बाद 29 विषयों में होगी सेट, जनवरी में आवेदन। 4 साल से चले जा रहे युवा बेरोजगार, हर परीक्षा का पेपर आउट हुआ। गोड। भरतपुर रीट और अन्य। अजजा को मिले 6.5% पृथक आरक्षण एवं भर्तियों में न्यूनतम पात्रता में पूर्ण छूट। नवज्योति बांसवाड़ा। आंगनबाड़ी भर्ती में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश, राजस्थान हाईकोर्ट। निजी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ रही है 15,500 छात्राओं को फीस वापस मिलेगी, आवेदन 31 तक। सेकावाटी विश्वविद्यालय अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम ही नहीं कराए, मुख्य परीक्षा में 1 महीने की देरी तय, 3 लाख विद्यार्थी होंगे प्रभावित। अजमेर युवा शिक्षा अवसर। परीक्षा 21 से शहर की जानकारी इसी सप्ताह मिलेगी। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा अजमेर में 90+ परीक्षा केंद्रों पर 30,000 विद्यार्थी देंगे एग्जाम। उत्तर कुंजियों पर आज से दे सकेंगे आपत्ति, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर। अलवर भास्कर न्यूज मत्स्य विश्वविद्यालय। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर। शिक्षा विभाग को उत्कृष्ट स्कूलें घोषित करनी थी, जोधपुर में अफसरों ने 317 में से सिर्फ 29 स्कूलों का ही निरीक्षण किया। भास्कर न्यूज कोटा युवा शिक्षा अवसर। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपा। जयपुर युवा शिक्षा अवसर। चिकित्सा विभाग विज्ञप्ति बनी परेशानी का कारण, फार्मासिस्ट के 2020 और नर्सिंग ऑफिसर के 1289 पदों पर होनी है भर्तियां। बीकानेर अर्धवार्षिक परीक्षा के बीच 246 स्कूलों के बदले वाइस प्रिंसिपल, शिक्षा विभाग। बीकानेर 17 से 20 दिसंबर तक होगी मूल्यांकन परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा बाद जांचेंगे स्तर, विद्यार्थी लिखेंगे जवाब, राजस्थान पत्रिका। पत्रिका न्यूज सर्दी में जल्दी बुला रहे हैं स्कूल, निजी स्कूलों की मनमानी नौनिहालों पर पड़ रही है भारी, शिक्षा विभाग अब ले सकता है बड़ा एक्शन। इसरो में भर्ती, 52 विद्यालयों में स्थापित होगी आईटी प्रयोगशालाएं। नवज्योति न्यूज राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा के आवेदन आज तक 15 से 28 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ जमा होंगे आवेदन, राजस्थान विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय का परिणाम जारी, पुनः मूल्यांकन कराने के लिए 15 दिन का समय। जयपुर।